क्या मनीषा रानी की ट्रोलिंग में सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव छोड़ा था साथ? क्या एल्विश यादव के दोस्त ही कर रहे थे मनीषा को ट्रोल, या फिर अभिषेक के दोस्तों का भी था हाथ? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिस वीडियो में बहुत कमेंट ऐसे आए हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि एल्विश के दोस्तों ने मनीषा को रोस्ट किया था, एल्विश के दोस्तों ने मनीषा का मजाक बनाया था, लेकिन एल्विश ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई है। तो इस वीडियो में हम उसी बात पे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे लोग का जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चाहे वो पांडा गैंग तक करो या फिर एल्विश आर्मी तक। लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यहां पर किसी तरीके का गॉसिप नहीं, ये फैक्ट्स के साथ ही बात होगी। किसी एक को ऊंचा और नीचा दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है, जो सही है वो सही हो। देखो यहां पर एक कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। मनीषा को तो एल्विश के दोस्त ही मजाक बना रहे थे, पर मनीषा ने कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। एल्विश खुद ही गलत है, अगर दम है तो कोर्ट में केस कर दो ना भाई, ये बकवास क्यों कर रहा है। अब एक और यूजर का मैं कमेंट दिखाता हूं, जिन्होंने लिखा, जब एल्विश के दोस्त लक्ष्य वीर और ये सब मनीषा की बेइज्जती कर रहे, एल्विश मना कर सकता था, वो लोग एल्विश से बड़े तो नहीं है। जैसे अभिषेक अपने मैनेजर को बोल रहा है कि वो मना कर सकता था, और अभिषेक के दोस्त भी ट्रोल कर रहे थे, जिया को सपोर्ट किया लेकिन कभी मनीषा को सपोर्ट नहीं किया, वो सिर्फ अभिषा अभिषा कर मनीषा के नाम से व्यूज ले रहा है। अगले एक और यूजर ने लिखा, कहाँ था ये एल्विश यादव जब मनीषा रानी की बुराई हो रही थी, ये तो अपने आप को बहुत अच्छा दोस्त बताता है, उसको नेगेटिव पीआर मिल रही थी, सोशल मीडिया पर ये दिख रहा है। किसकी नेगेटिव पीआर हो रही है? आप अपने आप फेमस करने के लिए ये सब कर रहे हो। ये सब बातें तो बैठ कर भी सुलझाई जा सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लाने की जरूरत नहीं थी। मनीषा रानी को जब इनके ही दोस्तों ने भला कहा, उल्टा सीधा मजाक बनाया, तब कहाँ थे ये लोग? एक लड़की की इज्जत की बात छोड़ो, अपने आप पर आए तो आग बबूला हो गए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब इस कमेंट का मैं आपको बता दूं, इस कमेंट का रिप्लाई यहां पर होगा इस वीडियो में। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं इस वीडियो पे कि भाई एल्विश ने साथ नहीं दिया या फिर एक्स वाई जेड। तो देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि एल्विश ने, तो सच्ची बात है कि एल्विश ने मनीषा के साथ दोस्ती निभाई है, अच्छी तरीके से निभाई है, बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तक एल्विश तो पकड़े नहीं गए हैं कि एल्विश ने कभी किसी भी तरह से किसी को लाइक कर दिया हो, किसी तरह का मजाक बनाने में सपोर्ट किया हो। एल्विश आज तक तो पकड़ा नहीं गया है, इसलिए मैं एल्विश का नाम नहीं लूंगा। एल्विश ने दोस्ती निभाई है, वो शायद अब भी निभा रहा है, जैसा कि मनीषा निभा रही है। मनीषा ने अभिषेक और एल्विश के बीच में किसी एक को नहीं चूज किया, उन्होंने दोनों को ही अच्छी नसीहत दी कि भाई इन दोनों से बचो और आगे निकलो। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि क्या अभिषेक दूध का धुला है? क्या अभिषेक मल्हन जो है, क्या उन्होंने मनीषा को हमेशा सपोर्ट किया है? अगर आप ये मानते हो ना तो बॉस गलत है। कब से जानते हो एल्विश और अभिषेक को? आप ऑलमोस्ट जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग होंगे जो अभिषेक और एल्विश को पहले से जानते होंगे, लेकिन ना मोस्ट ऑफ लोग की बात करें तो वो लोग बिग बॉस से एल्विश और अभिषेक को जानते हैं। इसी वजह से लोग जो हैं मिसअंडरस्टैंडिंग में रह गए हैं। कुछ लोग को ये लग रहा है कि जितने भी लोगों ने मनीषा को रोस्ट किया है ना, चाहे वो सम्राट हो, लक्ष्य हो, वीर हो, वो लोग एल्विश के दोस्त हैं, क्योंकि वो लोग एल्विश के लिए वोट मांग रहे थे। भाई एक बात बोलूं, एल्विश का नहीं, आप लक्ष्य की वीडियो जाना एक साल पहले जाकर देखना, ऐसा होगा तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। और इसके अलावा सम्राट की वीडियो जाकर देखो, फुकरा इंसान के चैनल पर जाकर देखना, ये लोग सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, फुकरा और ये सब कोलैबोरेशन करते थे, एक साथ वीडियो बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें ये लोग एक साथ कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य एल्विश का दोस्त, इस गलतफहमी में मत रहना कि एल्विश की वो बार बार चाटुगिरी करता है तो एल्विश का दोस्त हो गया। भाई वो फुकरा का भी उतना ही अच्छा दोस्त है। जब तक एल्विश बिग बॉस में नहीं गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ फुकरा को ही सपोर्ट कर रहा था। एंड सेम गोज टू सम्राट, वीर या फिर एक्स वाई जेड, जितने भी छपरी सो कॉल्ड रोस्टर हैं जो अपने आप को रोस्टर बताते हैं, एक ही कॉन्टेंट को पकड़ कर सभी लोग घिसते हैं, सभी लोग कॉन्टेंट बनाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो सुपीरियर हैं। लेकिन आपको बताऊं, यहां पर जो है ना, एल्विश की भी गलती है और अभिषेक की भी गलती है, दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है। अभिषेक भी रोक सकता था और एल्विश भी रोक सकता था, लेकिन दोनों ने कभी अपनी दोस्ती ना टूट जाए इस चक्कर में उन लोगों ने कभी इस बात पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब बहुत सारे लोग को ये लग रहा होगा कि भाई एल्विश को तो शायद पता ही नहीं होगा। भाई देखो, इतने बिजी नहीं थे, मनीषा की जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो नेक्स्ट लेवल तक जा रही थी, ये बात सबको पता है। मनीषा को बार बार मीडिया वाले अगर पूछने लग जाए तो आप खुद समझ सकते हो कि ये कॉन्ट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा हो रही थी। इवन आज भी हो रही है, आज भी लोग हैं ना मनीषा को
ट्रोल कर रहे हैं, मनीषा को सवाल पूछ रहे हैं, एल्विश आर्मी भी गाली दे रही है, पांडा गैंग भी कि भाई तुम स्टैंड लो, तुम किसके साथ हो ये बताओ, तुम एल्विश के साथ आ जाओ, तुम अभिषेक के साथ आ जाओ। तो मनीषा को तो अब भी ट्रोलिंग मिल रहा है, लेकिन मनीषा ध्यान नहीं दे रही है। अब बात मैं आपको करूँ, क्या एल्विश के ही दोस्त सिर्फ ट्रोल कर रहे थे? तो ये बिल्कुल गलत है। अभिषेक मलहन जो है वो भी मनीषा को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मनीषा का उन्होंने यूज़ किया है, मनीषा का साथ भी दिया है, लेकिन हाँ एक पोस्ट आप देखो, एक पोस्ट में साफ लिखा हुआ है कि भाई अभिषा अभिया फैन वाले एक साथ आ जाओ, क्योंकि अब ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। तो क्या ये मनीषा का फैम नहीं ले रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मनीषा के फैंडम को आप बुला रहे हो इस लड़ाई में, जबकि मनीषा आना ही नहीं चाहती है? तो जाहिर सी बात है अभिषेक जो है भी कोई दूध के धुले नहीं है, अभिषेक भी सिर्फ मनीषा को अपने ही लिए यूज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो एल्विश के खिलाफ हो जाए, ताकि एल्विशा फैंडम ख़त्म हो जाए, साथ ही साथ अभिषा फैंडम जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाए। और मनीषा की बदनामी हो तो हो, मेरे को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभिषेक ने अब तक तो कुछ नहीं बोला। जब मनीषा की ट्रोलिंग हो रही थी, वो एक ट्वीट कर सकते थे, वो अपने दोस्तों को ये कह सकते थे भाई मत करो। खुद वीर ने अपने वीडियो में कहा था कि मेरी फुकरा से कल बात हुई थी, फुकरा चाहता है ये सबसे दूर रहूं। इस चक्कर में मेरी अभिषेक से बात भी हुई थी, वो बेचारा खुद इन सारी चीजों से परेशान है, लेकिन वो बंदा हर दूसरे दिन स्टोरी पे आके थोड़ी बोलेगा यार यार मेरी बहन है, मुझे काम करने दो, ऐसा मत करो। नहीं, सिंपल सा यार, बंदा अपने काम पे ध्यान दे, इन बेशरम लोगों की किंग पूरी करता रहे। तो भाई अगर आप चाहते हो ये सबसे दूर रहो, तो आप मनीषा के फैंडम को क्यों इन्वाइट कर रहे हो इस लड़ाई में? तो ये बातें आपको समझनी होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई एल्विश ने साथ नहीं दिया, एल्विश ने अभिषेक भी अपने फ्रेंड्स को रोक नहीं रहा, मनीषा की ट्रोलिंग हो रही थी। मनीषा ने बिग बॉस के घर में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि अभिषेक मास्टरमाइंड है, और बिल्कुल मास्टरमाइंड है। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि भाई मनीषा तो बहुत ज़्यादा भोली है, मनीषा भोली है, लेकिन मनीषा को सब पता है कि कौन गलत है कौन सही है। मनीषा बस इन बड़े स्टारडम के बीच में पिसना नहीं चाहती है, जिसके चलते वो इस कॉन्ट्रोवर्सी से दूर हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में, आपको भी लगता है सिर्फ एल्विश ही नहीं अभिषेक भी गलत है? जब मनीषा की ट्रोलिंग हो रही थी तो इन लोगों ने 100% दोस्ती नहीं निभाई है, लेकिन जब बात अपने पे आई है तो दोनों ही आग बबूला हो रहे हैं, दोनों अपनी गैंग को लेकर आ रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं जानना चाहूँगा इस कॉन्ट्रोवर्सी पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब